नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष बंसल है और मैं आज आप सभी के सामने वीडियो लेके आया हूँ जो कि डूज एंड डोंट्स ऑफ द ग्रुप डिस्कशन पे है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डूज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। तो जो वेरी फर्स्ट डूज है वो है हमारा मेक द रियल पॉइंट। जो भी आप पॉइंट्स को प्रेजेंट करने वाले हैं, मेक श्योर कि वो सारे रियल ट्रू बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स होना जरूरी है। सेकेंड है, यू मस्ट बी एन एक्टिव लिसनर। वो जो भी आपके कलीग्स, जो भी आपके पीयर्स आपके सामने बैठे हुए हैं, उनके पॉइंट्स को आपको सुनना है, उसी के बाद आपको काउंटर देना है, सो दैट आप एक अच्छे डिस्कशन का पार्ट वहाँ बन पाएंगे। सेकेंड, थर्ड वन होता है, बी लॉजिकल एंड कोहेरेंट इन योर अप्रोच। आप जो भी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, यू मस्ट बी वेरी लॉजिकल, क्योंकि आप इलॉजिकल बात करेंगे, इररिलेवेंट बात करेंगे, आप टॉपिक के अलावा बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको जो इंटरव्यूअर होता है या जो भी पैनल में बैठा होता है, वहाँ पर आप थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि अब ये कुछ भी बोल रहा है, राइट? तो यू मस्ट बी लॉजिकल इन योर अप्रोच। द कोट, फैक्चुअली राइट इन्फॉर्मेशन। जो भी आप इन्फॉर्मेशन कोट कर रहे हैं, यू मस्ट अश्योर कि वो सारी फैक्टफुल होनी जरूरी है। अगर आप किसी भी स्टेटिस्टिकल डेटा की बात कर रहे हैं, तो उसे स्टेटिस्टिकल एजेंसी का करना आपको बहुत जरूरी है, सो दैट आपका डेटा थोड़ा ऑथेंटिकेट हो जाता है HR या इंटरव्यूअर के सामने। द फोर्थ वन इज द मॉड्यूलेशन, वॉल्यूम, पिच और टोन। आपकी तीनों चीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। आप कुछ भी बोल रहे हैं और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपकी पिच या वॉइस नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि आप इररिलेवेंट चीज़ों को लेके और बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं वहाँ पर अपने कंटेंट को। एंड द लास्ट वन इज द बी कंसिडरेबल टू द फीलिंग ऑफ अदर्स। जो भी आपकी फीलिंग है या जो दूसरों की फीलिंग है, मेक श्योर कि आप किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करें आप अपने स्टेटमेंट के दौरान, और मेक श्योर कि आप अपनी फीलिंग्स को भी वहाँ बीच में लेके नहीं आए। अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती है जो कम्युनिटी या रिलीजन को लेकर भी डिस्कशन में आ जाती है, तो मेक श्योर कि आपको उस चीज़ का रिएक्शन वहाँ शो नहीं करना है, राइट? और जो भी आप बात बोल रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट होना जरूरी है विद एवरी पर्सन जो भी आपका वहाँ ग्रुप डिस्कशन में है। हर ग्रुप मेंबर के साथ में आपको अपना आई कॉन्टैक्ट रखना है, राइट? अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डोंट्स ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, और हम लोग बोलते हैं डू नॉट्स ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, राइट? द वेरी फर्स्ट वन द बीइंग शाय और नर्वसनेस। आपको वहाँ अपनी नर्वसनेस शो नहीं करनी है। अगर आपको नर्वसनेस फील भी कर रहे हैं, आपको भी उसको थोड़ा इग्नोर करना है। इसकी एक बेसिक ट्रिक होती है, आप अपने पॉइंट्स जो टिप्स हैं उनको इस तरह से आप हल्के से नीचे अपने टेबल के नीचे इस तरह से कर सकते हैं, सो दैट आपकी जो वहाँ आप नर्वसनेस जो फील कर रहे हैं उसको आप वहाँ रिमूव कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे। अपने टेबल के नीचे हैंड्स होते हैं, तो आप टेबल के नीचे से स्लाइटली इस तरीके से कर सकते हैं, राइट? तो आपका ये नर्वसनेस जो प्रेशर आपके पास है उस समय डिस्कशन के दौरान, आप वो थोड़ा सा रिड्यूस कर पाएंगे। सेकेंड वाज इंटरप्टिंग अदर्स। आपको किसी को इंटरप्ट नहीं करना है। जो भी सामने वाला पॉइंट्स बोल रहा है उसे पहले कंप्लीट करने दो, उसके बाद अपनी पॉइंट को रखो। एक माइनर सेकेंड्स ऐसे आते हैं जब सामने वाला बोल रहा है और आपको माइनर सेकेंड मिलते हैं, जहाँ पर आपको अपनी कमांड देनी है और उसको काउंटर देना है, या जहाँ पर अपने पॉइंट्स को रखना है। लेकिन जब वो अपने स्टेटमेंट बोल रहा है, तो बीच में उसको रोक के और अपनी बात को नहीं रखना है, तो ये कहलाता है इंटरप्टिंग अदर्स। तो आपको इसको इग्नोर करना है। थर्ड होता है बींग एग्रेसिव। आपको किसी चीज़ को भी लेके एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि एग्रेसिव होना माना जाता है कि आप अगर टीम लीडिंग कर रहे हैं आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कहीं भी छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत एग्रेसिव तो नहीं होते। वो सारी चीज़ों को माइनॉरिटी से जज करते हैं आपकी, तो इग्नोर करें, आपके वहाँ एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। आपका कैजुअल अप्रोच नहीं होना चाहिए, नहीं बोलने में, नहीं पहनने में, नहीं बात करने में। तो आपका जो सारा एटीट्यूड है वो फॉर्मल एटीट्यूड आप वहाँ कैरी करें, सो दैट एक लगे कि कोई फॉर्मल बंदा वहाँ पर बैठ के डिस्कशन कर रहा है। जब हम किसी को बोलते हैं अपनी बात रखने के लिए, तो वो भी एक फॉर्मली तरीके से बोलते हैं, लाइक राइट? सो बींग कैजुअल आपका अफेक्ट कर सकता है आपके ग्रुप डिस्कशन को। द लास्ट वन इज द एंगेजिंग इन टू द सब ग्रुप कन्वर्सेशन। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप अपने पीयर्स के साथ में ही डिस्कशन करने लग जाएं। आपके बगल वाले ने कुछ पॉइंट्स बोला, आप उसी को सिर्फ काउंटर दे रहे हैं, बाकी 10 लोग अगर आपके साथ में बैठे हैं तो आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं कि आप सब ग्रुप कन्वर्सेशन को इग्नोर करें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो HR इंटरव्यूअर के सामने जाता है कि आप बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन है, कि आपके बगल वाले के साथ में ही सिर्फ आप डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? तो वहाँ पर एक्सट्रोवर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात कर लूँ, तो वहाँ पर इंट्रोवर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स उतनी नहीं रहती है, क्योंकि आप सेल्स के लिए फील्ड के लिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट ज़रूरत नहीं है। आपको एक्सट्रोवर्ट होना ही है, क्योंकि आपका इंट्रैक्शन मस्ट है। सो यही कुछ लिस्ट थी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रिपरेशन किया हुआ था, डूज एंड डोंट्स ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, राइट? बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये चीज़ शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप अपने को कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट।